काले लंबे घने बाल, ये बात सुनने में कितना अच्छा लगता है ना कि काले लंबे घने बाल, क्योंकि ये सभी की पसंद है कि काले लंबे घने बाल हमारे हैं। और आजकल की जो जेनरेशन है, न बाल काले रह रहे हैं न बाल हमारे घने रह रहे हैं, क्योंकि हेयर फॉल की प्रॉब्लम और हेयर वाइटनिंग की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हमारे जो खूबसूरत बाल हैं वो खूबसूरत नहीं रह गए हैं। लेकिन इसके लिए आपके बाल खूबसूरत और काले घने लंबे भी बन सकते हैं बिल्कुल इस तरह, बस थोड़ी सी देखभाल की ज़रूरत है जिससे कि आपके बाल काले घने सुंदर स्वस्थ और लंबे बनते रहे, जिससे कि सबकी नज़र आपके ही बालों पर रहे। तो इसके लिए कुछ टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, कोई बहुत सारे पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। आगे की वीडियोस में आपको मिलेगी ये चीज़ देखने, जिससे कि आपके बाल काले घने लंबे हो जाएंगे, साथ ही आपके बालों में अगर सफ़ेदी है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, वो सभी आपके इजली दूर हो जाएंगे। तो ये जो आपके बाल हैं वो स्वस्थ और सुंदर चाहते हैं, तो कंटिन्यू मेरे पूरे वीडियोज़ को देखते रहिए, इंजॉय कीजिए वीडियोज़ को, और कॉमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, आप देख रहे हैं नीलम सिंह चैनल और मैं हूं नीलम। तो आज मैं आपके लिए ले गई हूँ बहुत ही अच्छा हेयर मास्क, क्योंकि मेरी टाइटल देखे आपको समझ में आ गई होगी कि आज की जो हेयर मास्क है वो क्या है। तो ये एक बात मैं आपको बता दूं कि आज की जो हेयर मास्क है उससे, जैसे कि हमारा विंटर स्टार्ट हो गया और विंटर स्टार्ट होते ही बालों में डलनेस, फिजीनेस और हमारा बाल जो है काफ़ी रूखा बिजान हो जाता है, और हमारे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो विंटर में होती है वो होती है डैंड्रफ की। डैंड्रफ विंटर में हमारे हेयर में ज़्यादा हो जाता है, बहुत लोग के होते हैं कि कुछ बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो और इन सारे प्रॉब्लम से हमें क्या होती है कि अगर हमारे बाल फ्रिजी लगेंगे तो डैंड्रफ, और इससे हमारे बाल देखने में तो बेकार लगेंगे, साथ ही हमारे हेयर फॉल की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी और इससे हम परेशान हो जाएंगे, और तरह तरह के ट्रीटमेंट, तरह तरह के ऑयल अप्लाई करेंगे अपने बालों में। खासतौर से बहुत हो जाता है कि हम पार्लर भी दौड़ने लगते हैं कि हमारे जो हेयर है वो ठीक हो जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसको हम अपने घर में अपना हेयर कैसे इजीली तरीके से ठीक करें, जिससे कि, क्योंकि हमारा सारा ये जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन होता है हमारे किचन में, और किचन में जाने के बजाय हम कहीं और जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जी नहीं, आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो कन्फ्यूजन है उसको मैं दूर करूंगी, लेकिन उससे पहले वीडियो आगे बढ़ाऊँ, इससे पहले जितने लोग भी फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि वीडियोज के नोटिफिकेशन मिस न कर दे, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आज की मेरी इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो हेयर मास्क बनाने के लिए जो मेरे आज के इंग्रेडिएंट्स है वो है हनी। हनी हमारे बालों के लिए, हमारे ब्यूटी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। ये हमारे बालों में जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, बालों के जो फ्रिजी है, बाल जो डलनेस हो रखे हैं उनको इजिली दूर करके और आपके बालों को एक नेचुरल चमक प्रदान करता है आपके बालों में, और सॉफ्ट और शाइनी बनाता है। तो यहाँ पे मैंने लिया है हनी, और इसमें जो बेस्ट इंग्रेडिएंट्स मैं ऐड करने वाली हूँ मास्क बनाने के लिए वो है लेमन। तो एक फ्रेश लेमन का जूस, और आप यहाँ पे मैंने लिया है 4 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने हनी लिया ताकि बालों में अच्छी तरह हनी अप्लाई हो जाए, क्योंकि मेरे हेयर जो है वो काफी हद तक लंबे हैं। तो इसमें इतने क्वांटिटी में हम लेंगे कि हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हमारे पूरे बाल पे अच्छी तरह अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पे मैंने 4 स्पून लिया है हनी, और उसके बाद मैंने लिया है एक बड़े साइज के, आप देख रही है लेमन का साइज बड़ा है, तो एक फ्रेश जूसी लेमन जो है वो ले ताकि उसमें जूस अच्छी मात्रा में इसमें से निकल सके। तो एक लेमन का जूस हम निकाल लेंगे, इसमें हनी में एक लेमन का जूस निकाल लेंगे, यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको इस तरह लेमन, आप देख रही हैं काफी जूसी लेमन है और काफी मात्रा में इसमें से जूस बाहर आ गया है, क्योंकि जो लेमन है हमारे बालों से अच्छी तरह से जो डैंड्रफ होगा उनको रिमूव करेगा, हमारे बालों में चमक प्रदान करेगा, एक साथ ही हमारे जो बाल हैं उनको सॉफ्ट और शाइनी बनाने में बहुत ही हेल्प करेगा। तो ये देखिए मैंने इसे निकाल लिया है, अब इन्हें उंगलियों के हाथ से ही मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। आप स्पून का भी हेल्प ले सकती हैं, बट मैंने अभी स्पून नहीं लिया तो मैंने सोचा कि फिंगर से ही कर लूं। कभी कभी विंटर में मैं खास तौर से ये जो मेरे टिप्स हैं उन्हें अप्लाई करती रहती हूं, जिससे कि जो हमारी हेयर है, क्योंकि ठंड के टाइम हम थोड़ी देर धूप में भी बैठ लेते हैं, क्योंकि वो भी हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। ये मैं आपको बता दूं कि धूप में बैठने से हमारी बॉडी को विटामिन डी जो है वो भरपूर मात्रा में मिलती है, इसलिए आप 5 से 10 मिनट टाइम निकाल के आप धूप में जरूर बैठें।
तो ये देखिए हनी की एक और विशेषता मैं आपको बताऊंगी कि हनी और हमारे लिए सबसे ज्यादा कारगर आजकल क्यों है। इसके लिए आप लास्ट तक मेरे वीडियोस देखते रहिएगा, जिसमें कि मैं आपको एक बहुत ही बेस्ट टिप्स देने वाली हूँ इसमें, जो इजीली तरीके से आपके खुद के काम आ सकता है या आपके अगल बगल किसी के भी काम आ सकता है। तो ये आप इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह अगर इसको बनाएंगे हम, इस तरह ये बिल्कुल लिक्विड हो जाएगा और इसे हमें अपने बालों में अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करने से पहले अपने बालों को अच्छी तरह क्लीन करके अच्छी तरह कॉम्ब कर ले, क्योंकि जब हम हनी अप्लाई बालों में करेंगे उसके बाद ये हमारा जो हेयर है वो चिपचिपा हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें कॉम्ब नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कॉम्ब हम करेंगे तो हमारे हेयर जो है वो खींचेंगे, खींचेंगे तो हेयर फॉल होगी, जाहिर बात है बाल टूटेंगे। तो इसलिए मास्क लगाने से पहले अपने बालों को कॉम्ब कर ले, मास्क लगाने के बाद अपने हेयर को कॉम्ब बिल्कुल ना करें। तो चलिए मास्क लगाना स्टार्ट करते हैं और साथ में इसके जो बेनिफिट्स है ये पैक अपने बालों में हम ये मास्क अपने बालों में अप्लाई करते हैं। लेकिन ये मास्क अप्लाई करने से पहले अपने हेयर को अच्छी तरह क्लीन कर ले, कॉम कर ले, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ये मास्क अप्लाई करने में। ये मास्क बहुत लिक्विडी होता है, इसलिए इसको मैं अप्लाई करने के लिए कॉटन की हेल्प लूँगी। नहीं तो ये मास्क अगर इस तरह अपने बालों में आप अप्लाई करेंगे तो ये देखिए इससे आपके कपड़े गंदे होंगे और साथ ही अच्छी तरह अपने बालों में आप अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आप कॉटन की हेल्प जब लेंगे तो ये आपके बालों में अच्छी तरह अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए कॉटन को इस पानी में जो हमारा मास्क होता है लिक्विड उसमें डिप करेंगे इस तरह, और इसे अपने बालों में रूट से लेकर लेंथ तक अपने बालों में अच्छी तरह अप्लाई करेंगे कुछ इस तरह। और कॉटन की हेल्प से अगर आप लगाएंगे इसे तो ये इजीली तरीके से बहुत ही अच्छी तरह से अप्लाई होगा आपके बालों में, ये देखिए। तो चलिए इसमें मैंने लिया है लेमन और हनी। लेमन और हनी हमारे बालों में ये मास्क किस तरह फ़ायदेमंद है, क्या फ़ायदा पहुंचाता है हमारे बालों के लिए, किस तरह ज़रूरी है, ये मैं आज आपको बताती हूँ। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं हम हनी के बारे में। हनी भरपूर मात्रा में नेचुरल गुड़ पाए जाते हैं जो सेहत के साथ साथ हमारी ब्यूटी को भी बहुत सारे लाभ पहुँचाते हैं। शहद के इस्तेमाल से हम अपने बाल को खूबसूरत चमकदार बना सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही फ़ायदा पहुंचाने वाले गुण होते हैं जो हमारे बालों को सुंदर और स्वस्थ बनाते हैं। तो हनी में जो हमारे अगर लगा कर हम हनी को मसाज करते हैं अपने सिर में तो इससे आपके सिर की स्किन के पोर्स खुल जाते हैं, जिससे कि सिर की स्किन को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। शहद में भरपूर मात्रा में एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी के गुण पाए जाते हैं जो बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में सहायक होते हैं और सर की स्किन को इन्फेक्शन से भी बचाते हैं। बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है कि सिर में खुजली होने की प्रॉब्लम होती है, वो भी इजली इसको दूर करता है। यह एक नेचुरल कंडीशनर के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए आप इसे एक नेचुरल कंडीशनर के रूप में भी यूज कर सकती हैं। तो इस तरह ये हमारे बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं लेमन के बारे में। लेमन हमारे बालों के लिए किस प्रकार हेल्दी है, तो लेमन में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विटामिन सी पाया जाता है। यह हमारे बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, इससे हमारे बालों में लगाने से हमारे बालों में जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है वो इजीली दूर हो जाती है और इससे हमारे बालों में रूखापन, हमारे बालों में जो ख़ास तौर से हमारा बाल रूखा बेजान होता है वो इसको दूर होता है और हमारे बालों को सुंदर और स्वस्थ बनाने में बहुत हेल्प करता है। नींबू को बालों के जड़ों में मसाज करना चाहिए, ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा है, इससे हेयर फॉल की प्रॉब्लम और डैंड्रफ की प्रॉब्लम दूर होती है। हमारा जो लेमन होता है उसमें विटामिन सी के अलावा एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी होती है जो स्कैल्प को साफ करके उसको हेल्दी बनाने में मदद करता है। तो ये सारे चीज़ होते हैं हमारे बालों में जो हमारे बालों के लिए बहुत ही बेहतरीन है, लेमन और हनी। तो इस तरह उसके बाद आप अपने फेस में भी इसके बचे हुए जो आपके मास्क है उसको लगा सकते हैं। हमारे फेस के लिए भी सेम उसी तरह वर्क करेंगे, बहुत ही अच्छा वर्क करेगा ये हमारे फेस के लिए। यहाँ पे देखिए मैंने अपने हेयर को वॉश कर लिया है, हेयर कितना सॉफ्ट, लॉन्ग, शाइनी, स्ट्रेट लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत। और इस तरह अगर आप ये मास्क अपने बालों में लगाती हैं, अगर आप वीक में एक बार इस पैक को भी लगाती हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। आप देख सकते हैं हेयर कितना सुंदर, कितना सॉफ्ट और कितने लॉन्ग लग रहे हैं, स्ट्रेट लग रहे हैं, जिसको कि हमें स्ट्रेट करने के लिए पार्लर जाना पड़ता है। तो इस मास्क से आपके बाल जो है स्ट्रेट स्ट्रेट से लगेंगे, बहुत ही सुंदर लगेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे मैं आपको एक ज़रूरी बात बताने वाली थी कि आपके लिए क्या, मैंने कहा था कि एक ज़रूरी मैसेज मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे जैसे कि पूरे भारत में हमें डेंगू का जो है पूरा जो रोग
फैला हुआ है। डेंगू कभी भी किसी को हो जाता है, तो इसे निजात पाने के लिए आप बिल्कुल पपीते के रस, पपीते के पत्ते के रस में हनी मिला कर पियेंगी, तो इससे जो प्लेटलेट कम हुआ रहता है उसका बैलेंस सामान्य हो जाता है, तो इसे भूलिएगा नहीं।